दरम्यान अडचणींना कायम ठेवणं ही आमची वृत्ती नाही, हे आमचे संस्कार नाहीत आणि आमचा मार्ग देखील नाही, अशा शब्दात मोदींनी काँग्रेसवर निशाणा साधलाय. आम्ही गरिबांचे हक्क कधीच हिसकावत नाही. CAA वरून तुम्ही गरिबांनाच भडकवत आहात. सरकारनं दिल्लीच्या 40 लाखांपेक्षा अधिक गरिबांना त्यांच्या घराचा हक्क देखील मिळवून दिलाय, असं पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी म्हटलंय. सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट को गरीबों के ही खिलाफ बताते हैं, कोशिश कर रहे, कह रहे हैं कि जो लोग आएंगे वो यहां के गरीबों का हक छीनने लेंगे. अरे झूठ फैलने से पहले इन कम से कम गरीबों पर तो दया करो भाई. एक ही पार्लियामेंट के सत्र में मोदी गरीबों को घर देने का कानून लाता है, अनधिकृत कॉलोनी को अधिकृत बनाने के लिए काम करता है. क्या उसी सत्र में गरीबों को छीनने की बात करेगा? क्या झूठ फैला के रखा है? भाइयों बहनों, ये जो एक्ट लाया गया है ये उन लोगों पर लागू होगा जो बरसों से भारत में ही रह रहे हैं, किसी नए शरणार्थी को इस कानून का फायदा नहीं मिलेगा. जो लोग इस तरह का झूठ बोल रहे हैं उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के धार्मिक कारणों से परेशानी जो हुई, प्रताड़ना जो हुई, उन्हीं लोगों को सुरक्षा देने के लिए ये कानून है. भाइयों और बहनों, ये वो लोग हैं. और ये कौन लोग हैं मैं हैरान हूं. कुछ दलित नेता भी बिना समझे इसमें घुस गए हैं.